हेलो एंड वेलकम, मैं हुरिया गुप्ता और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत हो या पूरी दुनिया, आज साउथ इंडियन फिल्मों का जादू हर जगह चल चुका है, हर जगह इन्हें सराहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज है, जिसने विश्व भर में रिकॉर्ड दर्ज किए। आपको बता दें 2021 में पुष्पा द राइज का हिंदी वर्जन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में अव्वल है। पर आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं, जो अब चर्चाओं में है, वो है तमिल फिल्म जय भीम। आपको बता दें साउथ सुपरस्टार सूर्या की ये फिल्म रिलीज तो 2 नवंबर 2021 में हुई थी, पर अब ये सुर्खियां बटोर रही है। सुर्खियों का कारण भी है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म जगत में जाना माना और सुनहरे अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसने अपने यूट्यूब के ऑफिशियल अकाउंट पर जय भीम को शेयर किया है। जय भीम फिल्म पहली ऐसी तमिल फिल्म बनी है जो ऑस्कर के यूट्यूब हैंडल पर अब देखी जा रही है। इस बात को लेकर तमिल प्रशंसक सुपरस्टार सूर्या समेत पूरे तमिल इंडस्ट्री की बढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इंटरनेट पर सुपरस्टार सूर्या के लिए प्रशंसकों की बधाइयां भी देख सकते हैं। आपको बता दें ये फिल्म जातिगत भेदभाव पर बेस्ड थी, जहां अभिनेता ऐसे कैरेक्टर में नजर आएंगे जो पिछड़ी जाति या कहें कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। इसमें सूर्या ने लॉयर और एक्टिविस्ट का रोल अदा किया है, जो जातिगत भेदभाव को लेकर पुलिस प्रशासन से लड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें फिल्म ग्लोबल अवार्ड्स 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषाई फिल्मों में के लिए भी नॉमिनेट की गई थी। साउथ इंडियन फिल्मों का खुमार इस साल आपके लिए कैसा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।